नहा लिया है पर नहीं जी आपका। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आई एम गोपाली एंड आई एम व्लॉगिंग टुडे बिकॉज़ आई जस्ट लव व्लॉगिंग। तो लास्ट टाइम जब मैंने पॉइंटलेस व्लॉग किया था, आप लोगों को देखने में बहुत मजा आई थी एंड बिलीव मी, मुझे बहुत मजा आती है ऐसे कैजुअल रैंडम व्लॉग्स बनाने में। तो आप मुझे कमेंट करके बताते रहिए कि आपको और पॉइंटलेस व्लॉग्स देखने हैं या नहीं। बट या राइट नाउ इट इज 10 बज रहे हैं और आज 20 मई है। तो आज का दिन तो एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा से हेक्टिक है और आज हम 17-18 सालों में पहली बार बाहर भी जाने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे लॉकडाउन काफ़ी हद तक खुल गया। सैलॉन्स वगैरह ओपन हो गए हैं, मॉल्स वगैरह नहीं खुले हैं पर हाँ काफ़ी जगह काफ़ी चीज़ें खुल गई हैं। सोया मुझे थोड़े पापा के बिजनेस के काम से भी बाहर जाना है, थोड़ा मुझे मेरे स्टूडियो पे भी चेक करने जाना है, मैं इतने दिनों से नहीं गई हूँ। सोया लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद दिस डे। पहले जाते हैं, चाय बनाते हैं, बढ़िया सी चाय पीते हैं और आज एक्चुअली मैं उठने में लेट हो गई हूँ, जनरली मैं जल्दी उठ जाती हूँ। सो लेट्स गो। This is how dirty my car looks like. इतनी गंदी गाड़ी मेरी कभी नहीं लगी है। Hi, I've missed you my car. I've missed you a lot. Oh my God, guys, it's been like forever मैं मेरी गाड़ी में आके नहीं बैठी हूँ और इतनी ज़्यादा धूल है, मेरा पूरा कैमरा धूल हो गया है, गाड़ी भी बहुत ज़्यादा गंदी है। तो आज एक्चुअली हम गाड़ी निकालने वाले हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें खुल गई हैं तो हमें हमारा बिजनेस वगैरह का भी थोड़ा बहुत काम देखने जाना है। सो बस अभी मैं थोड़ी गाड़ी क्लीन वगैरह करती हूँ एंड उसके बाद मैं भी थोड़ी क्लीन होती हूँ एंड देन आई विल कैच यू, बाय। मैंने एक सापा हो रखा है, मेरी गाड़ी बिल्कुल नहीं है, अभी तक नंबर प्लेट भी नहीं आई और गाड़ी चालू नहीं हो रही है क्योंकि आई गेस 2 महीने से ज़्यादा हो गए मेरी गाड़ी बंद पड़ी है। जस्ट सो स्कैर्ड यार, मेरे को वो गैरेज वाला सापा नहीं करना है। आई गेस बैटरी वगैरह डेड हो चुकी है, शिट मैन शिट। आई नीड टू टेक शावर, सो गाइज आई एम रेडी फाइनली। मैंने शावर वगैरह ले लिया है और मैंने गाड़ी मेरी काफ़ी देर तक ऐसे स्टार्ट करके छोड़ दी थी, सो अब वो ऐसे उसकी बैटरी नॉर्मल हो गई होगी। मैंने टायर में हवा भी भरवा ली है एंड नाउ वी आर गोइंग टू, बताती हूँ गाड़ी में, चलो मैं समझाती हूँ आप लोगों को, चलो। हेलो गाइज, आई फील सो गुड। मैंने ऑलमोस्ट 1.5-2 महीने बाद गाड़ी चलाई होगी पूरे लॉकडाउन में। मैंने सिर्फ एक बार गाड़ी ऐसे स्टार्ट करके रख दी थी फिर भी बैटरी चली गई थी। सो आप सारे लोग वंडर कर रहे होंगे कि क्या चल रहा है, गोपाली क्यों बाहर क्यों घूम रही है। तो आप में से काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, हमारे 2 बिजनेस है बेसिकली। वन इज़ कंस्ट्रक्शन एंड रेंटिंग बिजनेस एंड सेकेंड वन कम्स अंडर एसेंशियल सर्विसेज वाली चीज़। तो वो पूरे इस लॉकडाउन के पीरियड में भी चल ही रहा था पर बहुत लिमिटेड चल रहा था। पर क्योंकि अभी सूरत में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें खोल दी गई हैं, मैं हाल फिलहाल सूरत का जो होलसेल मार्केट है वहाँ पे हूँ, 90% चीज़ें खुली हुई हैं। आप मतलब कुर्सी की दुकान ले लो, यहाँ पे मुझे दिख रही है टीवी, फ्रिज, ईच एंड एवरीथिंग इज़ ओपन राइट नाउ जो हमें बिजनेस में लगती हैं। तो वो उस काम से मैं आई हुई थी यहाँ पे। तो मेरे साथ मेरे पापा भी आए हुए हैं पर पापा गए हुए हैं, मेरे पापा ड्राइव नहीं करते हैं, आई एम द ओनली वन जो घर पे ड्राइव करता है, सो बेसिकली आई एम द ड्राइवर ऑफ माय फैमिली, सो दैट इज़ द रीज़न कि मैं उनके साथ आई हुई हूँ। तो आज तो मैं यहाँ पे आई हूँ, कल आई गेस आई माइट गो टू द सेकेंड बिजनेस जो हमारा कंस्ट्रक्शन बिजनेस। ये अंकल ऐसे ही देख रहे हैं। हेलो गाइज, आई जस्ट गॉट बैक होम एंड दिस इज जानवी, अकेले अकेले खाना खा के बैठी हूँ, आई एम हंग्री सो आई एम जस्ट गोना हैव माय लंच राइट नाउ। इसके पता है इसके मज़े हैं, इसके अलग ही मज़े हैं। हाँ तीखा खाने के बाद मीठा खाना है, मीठा खाने के बाद तीखा खाना है, मेरी ज़िंदगी इसी के आजू बाजू घूमती रहती है।
जानिए आज तूने क्या काम किया है? मैंने आज गाड़ी में बैठी रही ताकि वो गाड़ी में बैठी ताकि उसकी बैटरी चार्ज हो जाए। बहन तूने पूरे लॉकडाउन में क्या काम किया है अपने अपने कटोरा कट अपने कटोरा कट करवाने के अलावा? हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग अगेन। तो मैं मेरे लैपटॉप पे यहाँ पे कार्ड कॉपी करने के लिए रखा था, मैंने एडिट वेडिट करना था। आई डोंट नो मैं कब सो गई। पूरे लॉकडाउन में मैं पहली बार दोपहर में सोई हूँ, पहली बार। आज रात को हम जगराता लगाएंगे, आना ज़रूर। हेलो गाइस, तो मैं एकदम ही ढंग से उठ चुकी हूँ, पता नहीं मैं कब सो गई थी। तो ये नैप नूप जो कहते हो, जो भी लिया है मैंने। और यहाँ पे जानवी भी है जिसके बाल ग्रेविटी को वो कर रहे हैं, जो भी बोलते हो वो कर रहे हैं। और जानवी का कहना है वो सो नहीं रही है, पर उसका ये भी कहना है वो जग नहीं रही है, तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। तो अब हम इसे अच्छे से थोड़ी देर परेशान परेशान करेंगे। पहले मैं जीरो खेल करती थी और लोग मेरे लिए चिकन डिनर करवाते थे लेकिन बचा बचा के, बट अब मैं खेलती हूँ और मैं बहुत सारे खेल करती हूँ। आई स्टार्ट स्ट्रीमिंग सून। वो तो सब ठीक है, पर इसका क्या करना है? तुझे ऐसा लगता है ये सब तेरे अच्छे बालों की देन है? अभी तुझे नहीं, हमें को आज वीडियो नहीं बना देगी। टुडे वाज माय चिल ब्रेक। दिस इज हाउ यू लुक। आई फाइनली देख रहा हूं, ठीक है। And it was a chill break day and I just played PUBG. तो जिस दिन तू वीडियो बनाती है ना उस दिन भी तू सिर्फ PUBG ही खेलती है। आपने मुझे वो वीडियो भेजी, उसकी वजह है कि जो समझे नहीं समझे तो आपको नहीं भेजूंगा, मेरा ऐसा भी है। अगर अभी उसी ये ना इससे ना अपने अकेले की बर्बादी देखी नहीं जा रही, मेरे भी बाल काटने आ गए। चैंपियनशिप बिगिंस। यस, मम्मी ने बोला है मैं उनको वीडियो में ना दिखाऊं। हेलो मम्मी। हाय। मेरी मम्मी रूप बदलते हैं। अरे बताया, अरे पता है मेरी मम्मी जब तक जीत रही है तब तक तो लूडो सही है, जैसे ही मेरी मम्मी हारने लगी वैसे ही लूडो बेकार, लूडो घटिया। अच्छा तू ये कर, मैं इस साइड नहीं, मैं नहीं आ रही। सो राइट नाउ इट इज, आई जस्ट लुक सो वियर्ड, बट नहीं, राइट नाउ इट इज 11 o'clock और मुझे भूख लगी हुई है। मेरी बहुत बहुत ही ज़्यादा गंदी आदत है, मुझे रात को भूख लगती रहती है। मेरे घर वालों का कहना है कि मैं निशाचर हूँ, दैट मीन्स राक्षस। निशाचर इज लाइक जो रात को खाते हैं वो लोग, बट अब है तो है, अब क्या कर सकते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा रात को मतलब खाने का मन करता है। सो व्हाट आई एम मेकिंग इज सम गार्लिक ब्रेड। यहाँ पे मैंने ब्रेड निकाल लिया, आई एम जस्ट पीलिंग सम गार्लिक बटर, वहाँ पे मेल्ट हो गया है। सो आई एम जस्ट मेकिंग सम गार्लिक ब्रेड एंड सम कॉफी फॉर माई सेल्फ। जनरली मैं ट्राई करती हूँ कि मैं नहीं खाऊं, और अगर मुझे ऐसे कभी भूख वगैरह लगती है मैं थोड़े बहुत मखाने खा लेती हूँ और बहुत सारा पानी पी के सो जाती हूँ। पर कभी कभी ऐसा होता है, मैंने क्या गोपाली क्या ही करना है जिंदगी में जी के। फिर कभी कभी मुझे लगता है क्या पता गोपाली कल हो ना हो, कल तू रही ना रही, इससे अच्छा आज जो मन कर रहा है वो खा ले चुपचाप। तो मैं अपने आप को इमोशनल ब्लैकमेल करती हूँ और फिर आई जस्ट एंड अप बीइंग हियर इन माय किचन एंड आई जस्ट एंड अप मेकिंग सम यम्मी डिलीशियस वेरी अनहेल्दी जंक फूड। आई हैवंट हैड माय डिनर, सो बेसिकली दिस इज माय डिनर व्हिच एक्चुअली शुड नॉट बी माय डिनर। Thank you.
मैं सुबह उठते ही अपना लैपटॉप लेके बैठ गई थी और मैंने मेरी जो वीडियो है वो एडिट कर ली है, जो एक्चुअली आज अपलोड होने वाली है, और मुझे एक्चुअली जानवी के साथ भी वीडियो फिल्म करनी है। मैंने सुबह थोड़े काम कर लिया ना, आई एम लाइक छोड़ो, जानवी को वीडियो फिल्म करनी थी, मैं इसीलिए तैयार हुई थी, एंड नाउ शी इज लाइक यार कौन फिल्म करे वीडियो। झूठ बोल रही थी। पता है तू इस मेरे पूरे व्लॉग में ना यहीं पे ऐसी लेटी हुई आई है। मम्मी आप मुझे ये बताओ कि जानवी तो पूरे दिन पबजी खेलती रहती है, तो अब तो आप बोल दो कि आप मुझसे ज्यादा प्यार करती है। नहीं, प्यार तो वो भी छोटी है, अभी बच्ची है। गाइस आप इस वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट करके मुझे अपना प्यार बताइए, क्योंकि मेरे घर वाले तो मुझसे प्यार करते नहीं, क्योंकि वियर्ड है सर। गाइज आज मैं सुबह सुबह से मस्त तैयार होकर गुड गर्ल की तरह बैठ गई हूँ, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने आज सुबह सुबह उठते ही नहा लिया है, पर नहीं जी, आप मम्मी से कप टूटा है, अब देखते हैं मम्मी को कौन डांटेगा। लेट्स गो मम्मी। जनता जवाब चाहती है, अगर ये कप मैंने तोड़ा होता तो अभी तक इसकी जैसी हालत हुई है वैसी सेम मेरी हालत होती, क्या कहना चाहेगी मम्मी आप? अभी अब समेटना भैया पूरा काम। नहीं पर बताइए क्या कहना चाहेंगे इतने में? आप ही सबसे ज्यादा इसमें वो पीते हो यार। नहीं, नहीं, एक मिनट, एक मिनट, टूटने का ये है कि ये दलदल के मैं यहाँ रखती रहती। नहीं मम्मी अभी ये कब गिरने से मतलब मैं कैसे जिम्मेदार करो बस। Listen to me. इस घर में कोई भी क्रॉकरी टूटे, किसी से भी टूटे, जिम्मेदार सिर्फ गोपाली को ठहरा जाता है क्या? सीधा साधा बंदा। ओ ओ ये मम्मी गिरा कैसे आपसे? ये देखिए गाइस, ये मेरी मम्मी की। मम्मी बताओ कैसे टूटा? कैसे? बस ये क्रॉकरी टेबल इस तरह से एक थे। नहीं ये तो मम्मी आपने दूसरा कप तोड़ा, आप ऑलरेडी मेरा एक कप तोड़ चुकी हो, इस क्वारंटाइन में आप दो कप तोड़ चुकी हो और मैंने सिर्फ एक तोड़ा था जिसके लिए मुझे डांट पड़ी थी। क्या कहना चाहेंगी देवी जी आप? तेरा मुंह कहना चाहूंगी देवी जी मैं। अगर ये कप भी मैंने तोड़ा होता तो आप मम्मी सच्ची मुझे बहुत डांटते। खोला और फट से गिर गया और टूट गया। तो गिरा आपसे? मेरे से नहीं, तुम्हारी गलती है। मेरी कैसे गलती है इसमें? किस पे गुस्सा आ रहा, मुझ पे कि अपने आप पे? आप पे, मुझ पे क्यों? मैं एक बात बताती हूँ दीदी, तुझे पता है क्या हुआ कल यशी का मैसेज? कब खत्म कब होगी तेरी कहानी? और दूसरी बार मैं सुन तो क्या होता। गाइज ये मेरी वीडियो चल रही है एंड ये पूरी जनता जनार्दन बैठ के अप्रूव कर रही है मेरी वीडियो। गाइज मैं बस आपको ये बताना चाहती थी कि मेरी मम्मी आपके सारे कमेंट्स पढ़ती है, और जिस जिसने मम्मी के लिए आंटी इज वेरी क्यूट, आंटी बहुत अच्छी है, वो सब तो फिर मैं इसको बोलती हूँ कि बेटा सबको बहुत। तो मेरी मम्मी स्पेसिफाई नाम से बोलती है, ये नाम ने मेरे लिए लिखा है, इसको लाइक कर, और मेरी मम्मी चाहती है मैं इनको क्रिएटर स्टूडियो दे दूँ ताकि जो जो इनकी तारीफ करेगा मम्मी उसके कमेंट्स लाइक करेंगे। गाइज ऑन दैट नोट वी कम टू एन एंड टू दिस व्लॉग, और आपको ऐसे पॉइंटलेस व्लॉग्स देखने मिलते रहेंगे। एंड आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना और पॉइंटलेस व्लॉग्स देखने हैं नहीं, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, मैंने आज बहुत फन इंस्टाग्राम कंटेंट फिल्म किया है तो वो जल्दी आ जाएगा। आई एम गोना मीट यू इन माय नेक्स्ट वन, तब तक बाय, टेक केयर, बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट, आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू यू गाइस, टाटा।